हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज बात करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स यानी वोकैब के बारे में। तो आज का टाइटल है फ्रेंड्स, थर्ड टाइम लकी, यानी क्या तीसरी बार हम लकी हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया, क्या तीसरी बार हम लकी हैं ऑन इकोनॉमी एंड थर्ड कोविड 19 वेव। इकोनॉमी के बारे में और थर्ड कोविड 19 जो ये तीसरी लहर आ रही है तो उसका इकोनॉमी पे जो प्रभाव पड़ने वाला है तो उसको लेके ये कह रहा है, क्या हम उसको लेके लकी हैं या नहीं हैं। तो उसमें जो वर्ड्स मीनिंग है जो कैब है उन्हीं को हम देखेंगे बस। तो अपना आज का वर्ड है पहला बम्पी। बम्पी बम्पी एक एडजेक्टिव वर्ड है। बम्पी बम्पी मतलब होता है नॉट फ्लैट या नॉट स्मूथ। नॉट फ्लैट और नॉट स्मूथ, उबड़ खाबड़, झटका देने वाला। ठीक है, एक एग्जांपल है जैसे अलेस बम्पी 2022, जो अभी लेस बम्पी यानी कम उबड़ खाबड़ वाला 2022, अभी तक तो यही रहा है, अब केस बढ़ेगा तो पता नहीं। नेक्स्ट वर्ड है अमिड। अमिड इसका मतलब है इन द मिडिल ऑफ, एमोंग। इन द मिडिल ऑफ, एमोंग प्रीपोजिशन की तरह यूज होता है। एग्जांपल है अमिड द लेटेस्ट कोविड 19 वेव, यानी कोविड 19 वेव के बीच में। नेक्स्ट वर्ड है डेलिकेटली। डेलिकेटली इन अ केयरफुल वे, कोमलता से, धीरे धीरे, डेलिकेटली। पॉइज्ड यानी रेडी टू एक्ट, रेडी टू एक्ट, अबाउट टू डू समथिंग। पॉइज्ड मीन्स किसी काम को करने के लिए तैयार होना, ठीक है, रेडी टू एक्ट, या फिर आप किसी काम को करने जा रहे हो तो अबाउट टू डू समथिंग, कुछ करने जा रहे हो तो उसे हम कहते हैं अबाउट टू डू समथिंग। उसे अगर हम एक वर्ड में बोलना हो तो उसे हम बोलेंगे पॉइज्ड। नेक्स्ट वर्ड है अगर हम यहाँ पे उल्टा देखने की कोशिश करें, टू डैमेज अ फ्लैट सरफेस बाय हिटिंग इट बट नॉट ब्रेकिंग इट, यानी किसी सरफेस को हम हिट कर रहे हैं, खूब हिट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हिट कर रहे हैं, तो वो टूट नहीं रहा है, ख़राब हो जा रहा है, तो वो जो ख़राब होता है उसे हम डेंट बोलते हैं। डेंट, डेंट यानी पिचका देना। नेक्स्ट वर्ड है वरिंगली। वरिंगली वरिंगली मतलब चिंताजनक ढंग से, इन अ वे डैट कॉजेज एंजाइटी अबाउट प्रॉब्लम्स, जिसके जो ऐसा प्रॉब्लम है जिसको लेके चिंता होता है तो उसे हम वरिंगली बोल सकते हैं। जैसे किसी काम को हम कर रहे हैं चिंता हो के, अगर हम कोई काम चिंतित होके कोई काम कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे इन अ वरिंगली वे। वरिंगली मतलब चिंतित रूप से। नेक्स्ट वर्ड है दो। पढ़ते हैं दो, TH OUGH। इसको एक और सिनोनिम की तरह यूज होता है आल्दो। आल्दो ये जो है कंजंक्शन और एडवर्ब दोनों की तरह काम करता है। कंजंक्शन की तरह, अब अगर ये काम करेगा तो बट की तरह काम करेगा, बट, परंतु, किंतु, मगर, ठीक है, या फिर ऑल्दो की तरह अगर आप देखोगे तो इसका मतलब हो जाएगा किसी बात के बावजूद, ऑल्दो यद्यपि, हालांकि, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है डेफिसिट। डेफिसिट डेफिसिट मीन्स शॉर्टेज, कमी। डेफिसिट मीन्स शॉर्टेज, कमी। एग्जाम्पल है अ ट्रेड डेफिसिट। नेक्स्ट वर्ड है एलिवेट। एलिवेट मतलब टू मूव समबडी और समथिंग टू अ हायर प्लेस और मोर इम्पॉर्टेंट पोजिशन, किसी को ऊपर ले जाना या पहुंचा देना, ठीक है। एन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, अब हम बोले एन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ऊपर उठा हुआ है, एलिवेटेड है, एलिवेट यानी ऊपर है, उठा हुआ है। टैड हम जनरली आपस में यूज करते हैं, टैड का मतलब होता है अ वेरी स्मॉल अमाउंट, थोड़ा सा, अ वेरी स्मॉल अमाउंट। नेक्स्ट है ऑलबीएट। देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ ऑलबीएट इसको पढ़ा जाता है और इसका मतलब होता है ऑल्दो, और ऑल्दो मतलब आपको पता है यद्यपि, हालांकि, जैसा होता है, और ये भी एक कंजंक्शन है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम इसको यूज करते हैं ऑलबीएट। तो जैसे एग्जाम्पल है ही फाइनली एग्रीड टू कम ऑलबीएट अनविलिंगली, तो अनविलिंगली मतलब जैसे अभी आपको मैंने तुरंत अभी बताया है अनविलिंगली क्या होता है, अनविलिंगली मैंने आपको अभी दिखाया, अनविलिंगली मतलब न चाहते हुए, चिंतित रूप, नहीं, अनविलिंगली मैंने कल डिस्कस किया था, आज तो वरिंगली था, अनविलिंगली मतलब बिना मन से। ही फाइनली एग्रीड टू कम ऑलबीएट अनविलिंगली। नेक्स्ट है सेस और सेस, स्पेलिंग आप देख सकते हैं, सी भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, और इन दोनों का मतलब होता है टैक्स, एक प्रकार का टैक्स जो कि स्कॉटलैंड, आयरलैंड या फिर इंडिया में लिया जाता है, उसे हम
सेस बोलते हैं, सेस इसका मतलब होता है अटैक्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड अगर हम देखेंगे तो अपना नेक्स्ट वर्ड है कस्टम्स। कस्टम्स देखिए यहाँ पे जॉ पढ़ा जाता है, जब भी एस लास्ट में अगर आता है ऐसे यहाँ पे तो उसे जॉ टाइप से पढ़ा जाता है, तो हम पढ़ेंगे कस्टम्स कस्टम्स, और इसका मतलब हो जाएगा टैक्सेस कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, जैसे कि कस्टम्स का मतलब एक तो ये हो गया कि टैक्सेस कलेक्टेड, जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा वो चेकिंग ऑफ लगेज एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे जो सामान चेकिंग होता है उसे अगर हम एक वर्ड में बोलना चाहें तो उसे हम बोलेंगे कस्टम्स, उसे हम बोलेंगे कस्टम्स। एक एग्जांपल है अ कस्टम्स ऑफिसर, अ कस्टम ऑफिस, ए कस्टम्स ऑफिसर। कस्टम का एक और मीनिंग होता है जो मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे, और इस कस्टम का मतलब ये होता है कस्टम, जो उसमें आप देखो तो द यूजुअल वे ऑफ डूइंग समथिंग, द यूजुअल वे ऑफ डूइंग समथिंग। अगर एग्जाम्पल देखें हम अकॉर्डिंग टू द लोकल कस्टम, यानी लोकल वहाँ के जो कोई नियम, वहाँ जहाँ लोकल यानी वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ का एक रीति रिवाज है। कस्टम मतलब रीति रिवाज हो जाएगा, रीति रिवाज हो जाएगा, कस्टम मतलब रीति रिवाज। तो एक और वर्ड हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हो, इट्स माई कस्टम टू ड्रिंक टी इन द आफ्टरनून। कस्टम मतलब रीति रिवाज के साथ साथ आदत और हैबिट भी हो जाता है। तो अगर हम इसका कस्टम का प्लूरल देखें तो कस्टम्स होता है, और इस कस्टम्स का मतलब इसी से लेना देना है, आदत से और रीति रिवाज से। लेकिन एक कस्टम्स का मतलब ये भी होता है कि टैक्स लेने वाला ऑफिसर, या फिर जब हम लग सामान जो एयरपोर्ट पे चेक होता है उसे भी हम कस्टम्स बोलते हैं। तो एक ही कस्टम्स का तीन मीनिंग हो जा रहा है, एक तो टैक्सेस कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है पहला, दूसरा ये, और तीसरा जो है यहाँ पे आप देख सकते हो लोकल कस्टम्स यानी रीति रिवाज हो जा रहा है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड के बारे में, और नेक्स्ट वर्ड अपना डिप। डिप डिप मतलब क्या होता है, टू पुट समथिंग इन टू अ लिक्विड एंड इमिडिएटली टेक इट आउट अगेन। जैसे किसी चीज़ को, जैसे पानी है, ठीक है पानी की तरह आप, मैं एक अलग एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक चाय है, चाय में आपने पाव रोटी डिप की और फिर बाहर निकाल ली, यानी अंदर डाला फिर बाहर निकाल दिया, तो उसे हम बोलते हैं डिप। और डिप का अगर सेकेंड फॉर्म देखें तो डिप्ड, फिर थर्ड फॉर्म है डिप्ड। डिप डिप्ड डिप्ड एक वर्ब है, वर्ब यानी, और एक और मीनिंग है इसका अगर हम देखें तो टू गो डाउन मतलब कि नीचे जाना, या फिर किसी को नीचे जाने देना, ये डिप का मीनिंग होता है। अगर हम एक एग्जांपल देखें, द कंपनी सेल हैव डिप्ड दिस ईयर, यानी कंपनी का जो सेल है, जो बिक्री है वो गिर गया है, यानी अगर हम देखें तो डिक्रीमेंट आया है, कमी आई है, डिप मतलब कमी भी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है रॉबस्ट। रॉबस्ट एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री भी होगा, तो रॉबस्टर और रॉबस्टेड, रॉबस्टर और रॉबस्टेड, रॉबस्टेस्ट, ठीक है रॉबस्टर और रॉबस्टेस्ट एडजेक्टिव है तो कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होगा, और इसका मतलब होता है स्ट्रांग एंड हेल्दी, स्ट्रांग एंड हेल्दी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सर्विसेज वर रॉबस्ट फॉर दिसंबर, यानी दिसंबर की जो सर्विसेज थी वो बहुत ही अच्छी थी, तो इसको हम रॉबस्ट यूज करेंगे। रॉबस्ट का मतलब होता है स्ट्रांग एंड हेल्दी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में, तो नेक्स्ट वर्ड है प्रॉस्पेक्ट। प्रॉस्पेक्ट कुछ घटित होने के संभावना या आसार, कुछ घटित होने की संभावना या आसार। अगर एक इंग्लिश में मीनिंग देखें, द पॉसिबिलिटी डैट समथिंग विल हैपन, कुछ होने वाला हो तो उसे हम बोल सकते हैं प्रॉस्पेक्ट। ए थॉट अबाउट वॉट मे और विल हैपन इन द फ्यूचर, अगर आप कुछ सोच रहे हो कि अच्छा आने वाले समय में क्या होगा, क्या हो सकता है, या किसी चीज़ के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो उसको भी आप प्रॉस्पेक्ट बोल सकते हो। तो प्रॉस्पेक्ट मतलब कि जो आप सोच रहे हो तो उसको भी आप प्रॉस्पेक्ट बोल सकते हो, और एक जो ऐसा बोल सकते हो, एक नाउन है यानी किसी सोच को आप प्रॉस्पेक्ट बोल सकते हो, या फिर कोई संभावना है कि ये हो सकता है तो उसको भी आप प्रॉस्पेक्ट बोल सकते हो। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे है, देयर इज़ लिटिल प्रॉस्पेक्ट ऑफ बेटर वेदर बिफोर नेक्स्ट वीक, तो बहुत ही कम आसार हैं, प्रॉस्पेक्ट मतलब आसार, चांस, संभावना। देयर इज लिटिल प्रॉस्पेक्ट ऑफ बेटर वेदर बिफोर नेक्स्ट वीक, यानी अगले सप्ताह से पहले कम ही चांस है कि जो वेदर है, जो क्या वेदर वेदर मौसम है वो सही होगा, बहुत ही कम चांस है अच्छा होने का। नेक्स्ट है अप एंड। अप एंड
अवॉइड का मतलब होता है कि अलट पलट देना, यानी एक जैसे ऐसे है एक बॉक्स है तो इसको हमने नीचे वाले पार्ट को ऊपर वाले पार्ट को नीचे और नीचे वाले पार्ट को ऊपर ला दिया तो उसे अलट पलट दिया, तो उसे हम बोलेंगे अप एंड। या फिर कोई एक व्यक्ति है वो गिर के ऐसे गिर गया फिर उसके बाद ऐसे हो गया तो उसे भी हम अप एंड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अप एंड मतलब होता है टू टर्न ओवर ऑफ समथिंग, और जैसे अपसाइड डाउन यानी ऊपर की चीज़ जो है वो नीचे हो जाना तो अलट पलट जाना, तो उसे हम बोलेंगे अपेंड। अपेंड का जो है सिनोनिम की तरह पे आप बोल सकते हो लिफ्टेड, अपरेज्ड, एलिवेटेड, ऐसे लोग बोला जाता है अपेंड। एलिवेटेड यहाँ पे अपेंड का मतलब हो जा रहा है कि ऊपर उठ जाना, पलट के ऊपर उठ जाना, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे जो सिनोनिम यूज किए हैं वो ऊपर उठने के हैं। लेकिन अगर हम अपेंड की बात करें तो अपेंड का मतलब होता है कि अलट पलट जाना। नेक्स्ट वर्ड है अपना वो है नॉर्मेलिटी। फिर से मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूँगा आर पे, आर जो है यहाँ पे साइलेंट है तो ध्यान देना है। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी जो है नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, और एक और होता है नॉर्मेलसी, नॉर्मेलसी, फिर आर को साइलेंट रखेंगे और हम क्या पढ़ेंगे नॉर्मेलसी। नॉर्मेलसी मतलब सामान्य होने की स्थिति, नॉर्मेलिटी मतलब भी यही होता है, नॉर्मेलिटी मतलब सामान्य होने की स्थिति, सामान्य होने की स्थिति, सामान्य होने की स्थिति। जैसे अगर हम बात करें द स्टेट ऑफ बीइंग नॉर्मल, स्टेट ऑफ बीइंग नॉर्मल, सामान्य होने की स्थिति को हम बोलेंगे क्या नॉर्मेलिटी या फिर नॉर्मेलसी। ये क्या है, ये एक नाउन है, नाउन है, नाउन मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा नाम, किसी चीज़ का नाम होगा, और वो क्या है, और वो है सामान्य होने की स्थिति को, स्थिति को हम यहाँ पे नॉर्मेलिटी बोल रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हेड विंड्स, हेड विंड, यहाँ पे इसको मैंने काट दिया, सिंगुलर मैंने रखना चाहे तो हेड विंड का मतलब होता है सामने से आती हवा, सामने से आती हवा, यहाँ पे अपोजिट विंड को हम बोलते हैं। अब मान लीजिए आप ऐसे जा रहे हो, इधर से जा रहे हो और हवा जो है क्या है कि इधर से आ रही है, हवा इधर से आ रही है तो एक प्रकार से आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही और अवरोध पैदा कर रही है, मतलब आपके स्पीड को कम कर रही है। तो वहीं से हम देखेंगे अ विंड हैविंग द अपोजिट जनरल डायरेक्शन टू अ कोर्स ऑफ मूवमेंट, तो वही बोला गया कि जो हवा आ रही है अगर वो अपोजिट है तो उसे हम हेडविंड बोलते हैं, या फिर एक सिचुएशन और कंडीशन डेट में कॉज डिक्लाइन इन प्रॉफिट्स, मतलब आगे बढ़ रहे हो और हवा रुक रही है, इसका मतलब यही है कि आपके जो स्पीड है उसमें कमी आ रही है। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है कि डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब कमी आना, किसमें, प्रॉफिट में, डिक्लाइन होना प्रॉफिट में, ठीक है, तो कमी, व्यापार में कमी आने को भी हम हेडविंड बोल सकते हैं। तो हेडविंड यानी कि कमी आना, कमी आना एक प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड अगर हम देखें तो वो है ब्रेसिंग, नेक्स्ट वर्ड है ब्रेसिंग। ब्रेसिंग मतलब होता है मेक यू फील हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी, हिंदी वर्ड है स्फूर्तिदायक, स्फूर्तिदायक, ब्रेसिंग सी एयर, ब्रेसिंग सी एयर, ब्रेसिंग सी एयर मतलब एक ऐसी हवा जो आपको स्फूर्ति पहुंचा रही है, तो उसे हम बोलेंगे ब्रेसिंग सी एयर। तो मेकिंग यू फील हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ब्रेसिंग। आगे बढ़ते हैं और अपना देखते हैं कॉन्ज्योरअप, कॉन्ज्योरअप, कॉन्ज्योरअप का मतलब होता है टू प्रेजेंट टू द माइंड, टू प्रेजेंट टू द माइंड और इनवोक आर इमेजिन, जैसे कुछ किसी चीज़ की क्या है इमेजिन करना, सोचना उस चीज़ के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं ज़्यादा समझ में, ही कॉन्जर्ड अप अ पिक्चर ऑफ हिज चाइल्डहुड, यानी उसने अपने चाइल्डहुड के पिक्चर को कॉन्ज्योर अप किया यानी इमेजिन किया, तो इमेजिनेशन को हम कॉन्ज्योर अप भी बोलते हैं, कॉन्ज्योर अप एक फ्रेजल वर्ब है तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है डिसबर्स, डिसबर्स, डिसबर्स का मतलब होता है टू पे मनी, ठीक है, टू पे मनी या फिर हो सकता है टू स्पेंड, खर्च करना, टू पे मनी। यहाँ पे जैसे अगर हम देखते हैं डिसबर्स का एक मीनिंग देखते हैं यहाँ पे, द हाउस लोन वॉज डिसबर्स इन टू इंस्टॉलमेंट्स, द हाउस लोन वॉज डिसबर्स्ड, डिसबर्स्ड, आप ये देख के घबराना है, डिसबर्स मतलब क्या, मनी देना, डिसबर्स खर्च करना, डिसबर्स उसी को हम बोलेंगे डिसबर्स। नेक्स्ट बात करते हैं, अपना नेक्स्ट वर्ड है सैंक्शन, सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब होता है ऑफिशियल परमिशन या फिर ऑर्डर, ऑफिशियल परमिशन और ऑर्डर टू डू समथिंग और चेंज समथिंग। अगर जैसे एक, इसका मतलब ये होता है कि आपको ऑफिशियली कोई परमिशन दिया जाए तो आप उसे सैंक्शन बोलोगे,
चेक से कि कोई काम करने की अनुमति मिल गई है, तो आप बोलोगे कि आई हैव ऑफिशियली सैंक्शन दिस डेट, आप ऐसे करके बोलोगे, मतलब आपको उस चीज़ की अनुमति मिल गई है। एक और मतलब होता है, इसका मतलब होता है पेनाल्टी, और पेनाल्टी इसलिए भी लगाया जाता है ताकि जो लॉ है, जो नियम है, उस चीज़ को सही से फॉलो कराया जा सके। इसलिए पेनाल्टी आर अदर मीन्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। तो लॉ जो है, जो नियम है, जो रूल बनाए गए, उसको फॉलो करने के लिए आपको कहा जाएगा। अगर आप नहीं करते हो तो उसको जो है पेनाल्टी लगाई जा सकती है सैंक्शन के तहत। तो उसी को, उसको भी हम ध्यान में रखेंगे कि सैंक्शन का जो सिनोनिम होता है वो पेनाल्टी भी होता है, लेकिन सैंक्शन का असली मतलब अगर आप देखोगे तो ऑफिशियल परमिशन या ऑर्डर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रैंप। रैंप रैंप नाउन है, अ पाथ गोइंग अप और डाउन विद द स्लोप। स्लोप का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, स्लोप मतलब एंगल पे, किसी एंगल पे खड़े होना, उसको हम स्लोप बोलते हैं। तो उसे हम स्लोप बोलेंगे। स्लोप यानी जैसे मान लीजिए सीढ़ी पे हम चढ़ के जा रहे हैं, तो एक तो सीढ़ी हो गया, एक तो हम रैंप बना सकते हैं। स्टेशन पे आपने देखा होगा रैंप, जिस पे क्या होता है व्हील चेयर लेके भी हम जा सकते हैं, तो उसे हम रैंप बोलते हैं। रैंप रैंप ठीक है। रैंप आप यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी बताने की कोशिश किया रैंप क्या होता है। तो अ पाथ गोइंग अप और डाउन, मतलब ये अगर पाथ है तो ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, तो इसे को हम रैंप बोलते हैं, इसे ही हम रैंप बोलते हैं। और यहाँ पे सॉरी एक और जो होता है रैंप का मतलब होता है इन आर्टिफिशियल स्लोप मेड ऑफ वुड इट एसेट्रा फॉर मॉडल्स टू वॉक वाइल डिस्प्लेइंग क्लोथ ज्वेलरी इट एसेट्रा ड्यूरिंग अ फैशन शो। जब फैशन शो होता है उसे भी आपने देखा होगा कि रैंप वॉक बोला जाता है, रैंप वॉक भी बोला जाता है यहाँ पे, रैंप वॉक बोला जाता है, रैंप वॉक बोला जाता है। तो रैंप मतलब वही होता है कि लोगों के बीच से कुछ ये बनाया गया होता है सिस्टम, एक टाइप का स्लोप रहता है। मान लीजिए जैसे ऐसे होता है, स्लोप ना भी हो तो यहाँ पे जो है मॉडल्स आती जाती हैं, यहाँ पे पब्लिक रहती है, यहाँ पे पब्लिक रहती है, तो उसे भी हम रैंप बोलते हैं। अब हम रैंप क्यों बताया आपको, रैंप का मतलब मैं यहाँ पे बताना चाहता था आपको, रैंप अप एक फ्रेजल वर्ब है, और रैंप अप का मतलब होता है अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ अ कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विसेज। रैंप अप को आप ऐसे ध्यान देना पहले वाले वर्ड से, रैंप अप मतलब अ पाथ गोइंग अप और डाउन। तो एक ऐसा पाथ, ठीक है सॉरी यहाँ पे था मैं, एक ऐसा पाथ ऐसा है, तो यहाँ से हम ऐसे देखेंगे रैंप अप, अप यहाँ पे यूज हुआ है, अप 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 यूज हुआ है, अप मतलब ऊपर जाना, तो रैंप अप यानी कि असिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ में जो है बढ़ोतरी आ जाना, आगे बढ़ जाना, ऊपर जाना, उसे हम रैंप अप बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है स्टांस का मतलब होता है the opinions that somebody expresses publicly about something, publicly ध्यान देना है, publicly और opinion मतलब एक ऐसी opinion जो publicly कही जाए। जैसे यहाँ पे the prime minister stands on foreign affairs, तो stands अगर ये एक प्रकार से मतलब ऐसा हो सकता है कि prime minister का stance क्या है, यानी उनके opinion क्या है foreign affairs के comparison में। sorry friends wait a minute ठीक यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर पोजिशन इन विच स्टैंड्स ऑन फॉरेन अफेयर्स, यहाँ पे जो उनका क्या होता है, यहाँ पे ओपिनियन है पब्लिकली, उस चीज़ को जब कहा जाता है, एक एग्जांपल है द प्राइम मिनिस्टर स्टैंड्स ऑन फॉरेन अफेयर्स। अगर हम एक और इसका मीनिंग देखना चाहें द पोजिशन, ठीक है तो पोजीशन भी हो गया, इन विच समबडी स्टैंड्स स्पेशली व्हेन प्लेइंग, जैसे क्रिकेट खेलते समय होता है ना कि आपको ऐसे करके ऐसे खड़ा होना, ऐसे नहीं खड़ा होना, तो उसे हम बोल सकते हैं, इसको एक सिंपल वर्ड में हम पोस्चर बोल सकते हैं, पोस्चर। तो ध्यान देना है कि स्टैंड्स का मतलब होता है ओपिनियंस डैट समबडी एक्सप्रेसेस पब्लिकली, या फिर आप पोस्चर, तो स्टैंड्स का मतलब पोस्चर भी होता है और ओपिनियंस भी हो जाएगा। नेक्स्ट हम अपना वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है बुलिस का मतलब हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल। ठीक ऑप्टिमिस्टिक होपफुल बुलिस हो जा रहा है। एग्रेसिवली कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ असर्टिव, आप बहुत कॉन्फिडेंट है, ऑप्टिमिस्टिक है, होपफुल, आपको उम्मीद है नहीं ये चीज होगा ही होगा, तो उसे आप बुलिस बोलते हो। ठीक है कॉन्फिडेंट का भी सिनोनिम हो जाएगा सेल्फ असर्टिव या ऑप्टिमिस्टिक होपफुल, ये जो है इनके सिनोनिम हो जाएंगे। या फिर
एक चीज़ और होता है, शेयर मार्केट में इसका यूज किया जाता है। किसी शेयर प्राइस का जब मार्केट वो रेट बढ़ रहा होता है तो उसे हम बुलिश बोलते हैं, बुलिश मार्केट। नेक्स्ट वर्ड है अपना डेबिलिटेट। डेबिलिटेट, डेबिलिटेट मतलब होता है कमज़ोर कर देना, कमज़ोर कर देना। अ डेबिलिटेटिंग डिजीज, एक ऐसी बीमारी जो कमज़ोर कर देगी। टू मेक समथिंग और समबडी वीकर, टू मेक समथिंग और समबडी वीकर। ठीक है, अब इतना याद अपने को पढ़ना था, जस्ट एक बार रिवीजन करेंगे जल्दी जल्दी ताकि हमने जितने वर्ड सीखे हैं कोई भूले ना। बम्पी मतलब उबड़ खाबड़, अमिड मतलब के बीच में के दौरान, डेलिकेटली मतलब कोमलता से धीरे धीरे, पॉइज्ड, पॉइज्ड मतलब रेडी टू एक्ट, टू स्टार्ट समथिंग, कुछ पॉइज्ड मतलब कुछ करने के लिए तैयार होना। डेंट, डेंट मतलब पिचका देना। नेक्स्ट वर्ड वरिंगली, चिंताजनक, चिंताजनक इन अ वे डैट काजेज एंजाइटी। दो, दो मतलब यद्यपि, हालांकि। डेफिसिट कमी, डेफिसिट कमी। एलिवेट, और एलिवेट मतलब बढ़ोतरी, ऊपर जो भी है। टैड मतलब थोड़ा सा, टैड मतलब थोड़ा सा, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ऑल बी एट यानी ऑल दो, ऑल दो, ऑल बी एट जो है कंजंक्शन है, ऑल बी एट। सेस अटैक्स, कस्टम्स रीति रिवाज भी होता है, और कस्टम का मतलब, कस्टम्स का मतलब जो होता है टैक्स कलेक्टेड बाई, या फिर जो एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है उसे हम कस्टम्स बोलते हैं। तो टैक्सेस भी होता है, और एक कस्टम्स ऑफिसर की तरह आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिप, यानी डुबा के बाहर निकाल देना। रॉबस्ट, रॉबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग, और रॉबस्ट में स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। प्रॉस्पेक्ट मतलब अगर हम देखें तो किसी चीज़ की संभावना, जैसे देयर इज लिटिल प्रॉस्पेक्ट ऑफ बेटर वेदर, तो प्रॉस्पेक्ट में कुछ घटित होने की संभावना या आसार। प्रॉस्पेक्ट मतलब संभावना, किसी चीज़ के आसार, आसार या संभावना। अपेंड, अपेंड मतलब कि अलट पलट जाना। नॉर्मेलिटी सामान्य होने की स्थिति। हेडविंड्स मतलब कि यहाँ पे डिक्लाइन, कमी आना। हेडविंड्स मतलब कमी आना मार्केट में, मार्केट में मतलब बिजनेस में। ब्रेसिंग मतलब हेल्दी, फुल ऑफ एनर्जी। कंज्योर अप, कंज्योर अप का मतलब होता है कि इमेजिन करना, कंज्योर अप इमेजिन करना। डिसबॉस, डिसबॉस मींस खर्च करना। सैंक्शन मतलब पेनाल्टी भी हो जाता है, यानी पेनाल्टी भी हो जाता है, या फिर अगर आप देखो तो ऑफिशियल परमिशन होता है। रैम्प, रैम्प मतलब एक रास्ता जो, मतलब रैम्प एक रास्ता जिसमें सीढ़ी नहीं होती है, जो जिस पर व्हील चेयर चल सकता है। रैम्प अप यानी कि इंक्रीज होना किसी कंपनी के, रैम्प अप मतलब इंक्रीमेंट होना। स्टैंड मतलब कि क्या पोस्चर भी आप देख सकते हो, किसी चीज़ का ओपिनियन हो सकता है। बुलिश का मतलब ऑप्टिमिस्टिक, कॉन्फिडेंस, होपफुल। और ऐसे ही बात करें डेबिलिटेट मतलब कमज़ोर हो जाना या कर देना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।